नमस्कार दोस्तों, मैं गाजीपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा शिक्षा क्षेत्र दसमाबा में मैं पहुंच चुका हूं और यहां की जो व्यवस्थाएं हैं स्कूल की देखा मैंने। बहुत से सारे कमेंट आ रहे थे कि आप प्राथमिक विद्यालय पर ही क्यों तुले, और बारहचौर के BSS साहब ने भी कहा था, बहुत से टीचरों ने इस तरह के कमेंट किए थे कि आप प्राथमिक विद्यालय के दुश्मन बन गए। तो कदापि ऐसा नहीं है, अगर अच्छाई देखूंगा तो अच्छाई भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं ऐसे ही आया था इधर मुआयना करने के लिए, तो देखा कि इस स्कूल में काफ़ी स्कूलों से हटके हैं और मैंने कुछ अलग देखा, इसीलिए हमारी मजबूरी थी यहाँ सर से बात करना चाहा कि आपके स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ के बच्चों से भी मैं मिला, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि इस स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं और स्कूल में बच्चों को किस तरह की जो खाने की सामग्री होती है किस तरह से उनको उपलब्ध कराया जाता है। मैं रसोई घर में भी पहुंचूंगा और इधर बगल में आयुष्मान भारत लिखा हुआ है, आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा, मैं इसमें भी देखूंगा कि किस तरह की सुविधाएं हैं, इसमें क्या क्या होता है। फिलहाल हमारे बीच टीचर जी हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आपने बच्चों को आज क्या पढ़ाया और बच्चों को अभी क्या क्या बताया जा रहा है। देख सकते हैं स्कूल की जो सुविधाएं हैं बेहद अच्छी लगी। सर, हम जानना चाहेंगे कि आज बच्चों को क्या क्या पढ़ाया आपने और क्या बताया उनको। अभी लंच हुआ है, अभी पहले तो इतिहास पढ़ाया बच्चों को। इतिहास क्या बताया सर? इतिहास आंदोलन सर, आज सभी टीचर लोग उपलब्ध हैं स्कूल में। चलिए, एक लोग बता रहे थे कि छुट्टी दे दी, सर क्या नाम होगा उनका जो छुट्टी पे? चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। और चलिए, मैं सोचता हूँ कि बच्चों से दो मिनट बात ही कर लूँ कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, आप लोगों को किस तरह का भोजन सामग्री मिलता है। रसोईया घर में भी चलूँगा और आपको दिखाऊँगा। फिलहाल मैं रसोई घर का ही दर्शन करा देता हूँ और दिखाता हूँ रसोई घर में अभी क्या चल रहा है। बच्चों ने तो बताया कि हम लोगों को दूध भी मिलता है, खीर भी मिलता है और जो हलवा भी मिलता है। तो मैं रसोई घर में थोड़ा चल के देख लेता हूँ कि बात झूठ है कि सही है। फिलहाल बच्चे झूठ तो नहीं बोलते हैं। फिलहाल मैं रसोई घर में पहुँचा हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं चाहूँगा कि अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि थोड़ा अंदर आए और दिखाएं। और ये क्या बन रहा है? आपका नाम क्या हुआ? बिंदु देवी। कितने साल से आप यहाँ हैं? 2018। आप लोग कहाँ हैं चाची? भैया चपरा से। अच्छा, आप कौन हैं? अच्छा, कहाँ बना थे चाची? आज एमए का पढ़ल बा? लहसुन मिर्चा प्याज टमाटर नमक खाते। चलिए, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल व्यवस्था में तो मैं इनकी बुराई नहीं करूँगा, लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों पे जाने के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि खिचड़ी बन रहा है कि खिचड़ा बन रहा है। नहीं नहीं, बच्चों से मैं जानकारी लिया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, ये चूल्हे भी हैं क्या? रोटी बनाए। अच्छा, ये रोटी बनाने के लिए है और जैसे ये सब बनाना रहे। अच्छा, ये बताओ चाची, स्कूल में बच्चन के कारण खाए के मिलेगा आज तुम्हारा तारी जो ना बहुत खुशी हुई और यहाँ के ग्राम प्रधान को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के प्रधान हुई है ना, संजय दूध कम हो जाता होगा तो पानी भी मिला सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हैं आप, सफाई की तो मैं तारीफ करूंगा और प्रधानमंत्री जी का दावा है कि स्वच्छता अभियान में बहुत ध्यान देना है। बगल में मैडम जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे खुशी तो इस बात की है कि यहाँ पे व्यवस्था सब स्कूलों से हटके है। बहुत सर लोगों ने कमेंट किया था कि स्कूल का दुश्मन बाबू, तो फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है। मुख्यमंत्री जी से बहुत कुछ फील्ड बनवाए। चलिए, मिट्टी के लिए पैसा दें। मैडम, आप किस पोस्ट पे हैं? किस पोस्ट पे? हम प्रभारी हैं भैया, यहाँ के प्रभारी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, फील्ड अगर रहेगी तो जो उधर गंदगी है, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि
इसको जरा दिखाएं, अगर फील्ड रहेगा तो थोड़ा साफ सफाई यहाँ पे रहेगी। पेड़ पौधे लगाएंगे और स्कूल को स्वर्ग बनाएंगे। बेहद अच्छा मैडम, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही मैडम ने कि लगा कर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर बकरी सब खा जाती है, रात के समय हम लोग कैसे। बहुत अच्छी बात है। लाल मैडम एक बात बताइए, प्राथमिक विद्यालय के लिए चपरासी की नियुक्ति होनी चाहिए? चपरासी है लेकिन चपरासी जो है 8:30 से लेकर और उसके 2:30 तक। बहुत से स्कूलों पे जाने के बाद कमेंट आ रहे हैं कि चपरासी चौकीदार चाहिए भैया। चौकीदार रात के समय चौकीदार रहता तो हम लोग अपना पेड़ पौधा का रक्षा होता, बाउंड्री बन जाती है, बाउंड्री बन जाती है ना, गेट लग जाता। ये मुख्यमंत्री जी हमारे दे हम बनवाए। आपने कभी लिखा पढ़ी किया इसके लिए? अरे भैया सब तो पैसा दे दे रहे हैं ग्राम प्रधान को, प्रधान से कहिए। आपने कुछ लिखा पढ़ी किया होगा इसके लिए, मांगे अपनी रखी होगी जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से। प्रधाने से न कहेंगे हम, बनवाइए बनवाइए, कायाकल्प के अंतर्गत प्रधान ही आ रहे हैं। यदि इनकी बात हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के जो BSC अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस मामले को आप संज्ञान में लें। बेहद दुखद घटना है क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में न जाए, बच्चे कुछ सीखे कि आज हम पौधे लगा के जा रहे हैं तो पौधे हमारे साथ साथ भी बड़े हों। लगाया जाता है, वृक्षारोपण होगा लेकिन आकर सब उखाड़ देंगे, खा जाएंगे। पौधों से क्या सीख मिलती है चाहेंगे इसके बारे में, आप पौधों के बारे में? क्यों नहीं, जैसे जैसे पौधे हमारे बढ़े हमको ऑक्सीजन मिलेगा, हमारी हरी भरी फील्ड रहेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मैडम एक चैप्टर में है तरु की झुकी नालियों से सीखो नित सीख झुकाना, पौधों से हम बहुत कुछ सीखते भी बहुत सीखते हैं। बहुत अच्छा लगा मैडम, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा स्कूल में चला जाए, क्लास में चला जाए, अंदर प्रवेश किया जाए और यहाँ की व्यवस्थाएँ दिखाई जाए। और अंदर आए यहाँ की व्यवस्थाएँ दिखाएं और टीचरों को मैं बताऊंगा और जो अध्यापक लोग हैं मैं उनको अच्छा एक संदेश देना चाहूंगा कि सीखना है तो इस स्कूल से कुछ सीखिए। और ग्राम प्रधानों को भी मैं बता रहा हूं जो गांव के प्रधान लोग हैं लूटने घसोटने में लगे हैं, अरे सब जगह तो लूट ही रहे हो, विद्या के मंदिर को तो छोड़ दो भाई। ये आपका सर ये कौन सा हमारे कमरे नहीं है, कमरे की भी कमी है क्या? हाँ ये कमरे की कमी है जी, यहाँ पर मतलब विलास की बारी मिली है जिससे बैठ कर बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर जी। उधर जी मैडम आप लिखा पढ़ी कीजिए, इन बातों को रखिए आप उच्च अधिकारियों तक। आपने लिखा पढ़ी तो किया नहीं होगा, अगर किया हो तो आप दिखाएं। नहीं अभी तो नहीं दिए हैं, से कहते हैं नहीं कहने से नहीं, आप लिखा पढ़ी इसको दीजिए, कहने को तो हम भी आए आपसे, हमारे भी वीडियो देख के लोग आपकी बातों को हम रखेंगे और हम चाहेंगे कि आप लिखा पढ़ी जरूर करें। इधर किताबें हैं आप देख सकते हैं और स्कूल के नीचे जो टाइल्स वगैरह मार्बल वगैरह या फिर जो मैट वगैरह बिछाया गया है बेहद अच्छा लग रहा है। और टीचरों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप इनसे कुछ सीखें, सीखना हो तो इस स्कूल से कुछ सीखिए आप। और प्रधान लोगों को भी मैं बता रहा हूँ जो आप पानी में वो चावल डाल के बना रहे हैं ना आप लोगों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, परेशान मत होइए, ऐसे ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। जब वीडियो बनाने के बाद लोग आते हैं चिरौनी करते हैं बोल के गिरते हैं कि भैया छोड़ दीजिए इस बात उनको। नहीं नहीं मैं प्रधान जी की तारीफ करता हूँ, प्रधान जी का नाम क्या होगा? संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा हम बता रहे हैं, वो मतलब प्रधानपति हैं। चलिए और भी क्लासों में हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे। मैडम आज बच्चों को आपने क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाती हैं जी। आपने बच्चों को आज क्या बताया पढ़ते हैं ना? हाँ। अच्छा आप बच्चों को आप मारते भी हैं क्या? नहीं हमारे बच्चे फुलवाड़ी हैं, उनको मारेंगे, बच्चों से पूछ लीजिए। अच्छा चलिए हम बच्चों से भी बात कर लेते हैं, बच्चों से पूछ लीजिए, लेकिन आए हैं सही टाइम पर नहीं आए हैं। अच्छा
क्लास नहीं लगाते। अच्छा अगर बच्चे थोड़ा सा उदारता तो करते होंगे, बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा करते ही हैं, तो उनको कैसे मनाती हैं? सबका काम है। कैसे मनाती हैं? हम बच्चों को अपना डांटते तो नहीं है उसको, उसको ये सिखाते हैं बेटा शांत रहो, डरिए मत, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और तुम लोग आए हो यहाँ पर पढ़ने के लिए, अब बैठ जाओ। बच्चे हमारा हमारा अनुशासन सारे का तो बच्चे से बैठे रहे। थैंक यू मैम। हम क्लास दिखाते हैं आपको, बरसा में हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये बच्ची है पढ़ रही है थोड़ा सा, इससे हम बात कर रहे हैं। बेटा नाम क्या पड़ेगा? क्या नाम है बेटा? सीमा। कितने में पढ़ती हो? छह में। आज क्या पढ़ाया गया है? क्या आपने उसको याद किया है कि आज मैडम जो है आपको पढ़ाई है, आपको घर जाके याद करेगी? CWSW जो होता है, CW जानती है किसको कहते हैं? क्या होता है CW का मतलब? क्या होता है? थैंक यू। दोनों का मतलब हम चाहेंगे कि आप इंग्लिश में बता दो। CW का मतलब पूरा नाम बताओ, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, हिंदी में बता दो। चलो ठीक है, आप लोग पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ो। पढ़ के क्या बनोगी ये बता दो। पढ़ के क्या बनोगी? खाना खा के नहीं आई हो क्या? क्या बनना है पढ़ के? किसको बनना होगा? डॉक्टर, इंजीनियर? सोचे नहीं है, चलिए सोचना है। IAS बनना है, पढ़ के क्या बनना है? IAS बनेंगे। अपने लक्ष्य को कभी खोना नहीं है। और भी माता पिता से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को अंधकार में न डालें, जिस फील्ड में वो जाते हैं उनको उसी फील्ड में आप जाने दीजिए। जब कब चलते? 3 बजे चलते रहते हैं। बस लंच में चलने के लिए कुछ आया कि नहीं? अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ फिर के लिए फिर होना चाहिए कि नहीं? यहाँ बाउंड्री होना चाहिए कि नहीं? गंदगी है, अगर बाउंड्री रहेगी तो गंदगी नहीं होगी। तुम लोग पेड़ पौधे लगाओगे, बताओगे ना? ये देखिए बर्तन लेके बैठी है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे खाना खाओ, खाना लेके बैठे हैं। अच्छा खाना खाओगी ना? क्या खाओगी? क्या क्या बनता है? क्या क्या बनता है? कभी नहीं ना मिलता है, दूध यहाँ कभी नहीं मिलता है। और क्या मिलता है? फल वगैरह आपको मिलता है? फल भी मिलता है क्या? अरे स्कूल में फल मिलता है? चलो आज हमें भी जान थोड़ा सा उस बच्ची से जान लेते हैं। अभी तो किसी प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हैं भगवान के रूप में। बेटा नाम क्या पड़ेगा? क्या नाम पढ़ती है? अच्छा आज क्या पढ़ाया गया? चलो बेटा थोड़ा सा हल्ला नहीं करेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। बेटा आप थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए। बेटा नाम क्या पड़ेगा? अच्छा क्या पढ़ती हैं? आज क्या पढ़ाया गया? हम ये जानना चाहेंगे कि खाना वाना भी खाएंगे, भूख लगी गया होगा, क्या खाती हैं आप लोग? क्या दूध भी मिलता है क्या? फल तो जानकारी मिली है कि नहीं मिलता है? मिलता है। चलिए बेहद अच्छा लगा, अब हम लेंगे विदा और आगे मिलते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं। बच्चे आ
प्राथमिक विद्यालय का नजारा देखकर ठीक है कभी आज मैं स्कूल की तारीफ नहीं करने आया हूँ, वास्तव में मैं यहाँ की सच्चाई देखा हूँ और इसीलिए आपको वीडियो दिखाना पड़ा। देख सकते हैं जो यहाँ टीचर्स हैं मैडम के साथ अच्छे से लोग पेश आ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं उनको लंच दिखाया जा रहा है और क्योंकि उनके लंच का समय हो गया और उनको लंच दिया जाएगा। उधर बच्चे टंकी पे गए हैं, यहाँ समरसेबुल की भी व्यवस्था है। समरसेबुल चलता है क्या? बाबू चलता है लेकिन फील्ड के कारण नीचे गाड़ी जल लाए हैं और बारिश का दिन था बैठ गया है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन जिसे हाँ कहते हैं लिखा पढ़ी हुआ है? हाँ कब तक बनने हुआ है? जब इसका पैसा आएगा तो उसी में बनेगा। क्या है बेहद अच्छा लगा और बनवाएंगे, प्रयास कर रहे हैं कि अपने पैसे से बनवा दें। नहीं नहीं आप चलो जल्दी से ही चले, मैं इसका राय नहीं दूंगा, आपको जैसे सुविधा हो जैसे आप मैनेज कर लें, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द आप बनवा दीजिए ताकि बच्चों को। चल रहा लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।